साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे रूबी रेड जेड टैबलेट। साथियों रूबी रेड जेड टैबलेट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे रूबी रेड जेड टैबलेट है क्या, कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड डोज सेफ्टी एडवाइस की बात करेंगे, कंट्राइंडिकेशन MRP की बात करेंगे। साथियों रूबी रेड जेड कंटेंस फेरस एस्कॉर्बेट, कहने का मतलब है जो ये टैबलेट है इसके अंदर फेरस एस्कॉर्बेट मिला होता है, आयरन मिला होता है, फोलिक एसिड मिला होता है, विटामिन B12 जिसका नाम है साइनाकोबलामाइन मिला होता है, जिंक सल्फेट इसके अंदर मिला होता है। साथियों विस्तार में हम कंपोजिशन में भी बताएंगे, जो इसके अंदर आयरन है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, जब इसको खाते हैं तो इसके अंदर जो आयरन है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन का जो है सर्कुलेशन करता है, साथ ही साथ मेंटेन द रेड ब्लड सेल्स, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको मेंटेन कर देता है, दस मेक इंडिविजुअल फील एनर्जेटिक एंड प्रिवेंटिंग एनीमिया, और उससे क्या होता है कि खून की कमी को ठीक करता है और पर्सन जो है क्या होता है हेल्दी दिखता है और एनर्जेटिक दिखता है। साथियों जो इसके अंदर फोलिक एसिड मिला है ये न्यूमरस बिल्डिंग जो है रेड ब्लड सेल्स, अब ये क्या करता है रेड ब्लड सेल्स के जो है फॉर्मेशन में मददगार है, और जो साइनाकोबलामाइन है वो प्रमोट करता है इनिशियल एंड मतलब माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण से भी वो क्या करता है दूर करता है, साथ ही साथ क्या होता है कि जो RBC सेल्स है उसको जो है मेच्योर करता है और मतलब उसको जो है प्रमोट करता है। साथियों रूबी रेड टैबलेट इज यूज टू ट्रीट दी आयरन डिफिशेंसी एनेमिया, कहने का मतलब है खून की जो कमी हो जाती है उसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने वाली दवा है ये, और ये क्या होता है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया रिक्वायर्ड रूबी रेड जेड टैबलेट कैन बी टेकन ओरली विद और विदाउट वाटर, कहने का मतलब है पानी के साथ इसको खा सकते हैं या फिर किसी जूस के साथ इसको ले सकते हैं, और जो है खाने के बिफोर इसको जो है ले सकते हैं और आफ्टर भी ले सकते हैं, किसी तरह से भी इसको ले सकते हैं। रूबी रेड जेड जो है टैबलेट ये एक जो है मैकलियॉड फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है, और ये जो है 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, 111.35 रुपये इसकी MRP है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है फेरस एस्कॉर्बेट इसके अंदर मिला है, साथियों आयरन जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्री आयरन कह सकते हैं 100 mg मिला है, फोलिक एसिड 1.5 mg मिला है, साथ ही साथ साइनाकोबलामाइन जो है 15 mcg मिला है जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं, फोलिक एसिड 61.8 mg इसके अंदर मिला है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो यूज टू ट्रीट टाइप ऑफ एनीमिया सच एस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जैसे कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, एंड वीकनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसे खून की कमी की वजह जो एनीमिया होती है उसमें जो वीकनेस होती है या किसी और कारणवश शरीर में वीकनेस होती है उसको भी दूर करती है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट रहती है तो उसमें भूख लगने लगती है, कन्वोल्यूशंस होता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, एंड हेल्प टू प्रिवेंट जो है प्रेगनेंसी डिफिशेंसी बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, कहने का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी को जो है नहीं होने देती है, मेंटेन रखती है बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और डिलीवरी होने के बाद जो है खून की कमी ना हो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों हेल्प टू रिड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, कहने का मतलब है प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर RBC होती है उसके जो है फॉर्मेशन का बहुत अच्छा है इसका अहम रोल है, एंड साथ ही साथ क्या है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर फर्टाइल मूवमेंट, जो महिला के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का भ्रूण होता है पेट के अंदर उसमें प्रॉपर मूवमेंट रखता है, और बच्चे को भी जो है आयरन का जो है एक स्रोत ये जो होती है रूबी जेड टैबलेट, जो कि माँ लेने के साथ साथ उसके बच्चे में भी जो है इसका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। साथियों इसको खाने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे कभी कभार माइल्ड डायरिया हो जाता है, नोजिया होता है, डार्क स्टूल होने लगता है, कलर जो है
और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन बनने के चांस हो जाते हैं और स्टमक में कभी कभार पेन होने लगता है साथियों। रूबी रेड जेट टैबलेट जो है, डोजेस की बात करेंगे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1 or 2 टैबलेट इन ए डे बिफोर और आफ्टर मील्स। कहने का मतलब है बिफोर भी इसको ले सकते हैं 15 to 20 मिनट पहले खाने से पहले, या फिर अगर खाना खा लिया उसके बाद भी ले सकते हैं, या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। हेल्दी पर्सन है, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा अगर कमी नहीं है तो 1 टैबलेट पूरे दिन में, अदरवाइज हीमोग्लोबिन जैसे मान के चलो 8 या 9 है और नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा कम है तो ऐसे केस में जो है 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो हाइपर सेंसिटिव टू एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सपीरियंट। कहने का मतलब है कि पहले अगर पर्सन ने किसी तरह से इसके कंपोजिशन को लिया और सूट नहीं किया है या हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जी है, तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल ना करें, या जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर आपने इसको खाया और आपको सूट नहीं कर रही है इसके कंपोजिशन को इसी से सिमिलर, तो आप तुरंत बता दें। साथियों बहुत अच्छी टैबलेट है, मैकलियोड फार्मास्यूटिकल कंपनी की टैबलेट है साथियों, 111 रुपये 35 पैसे की टैबलेट है, 10 टैबलेट की स्ट्रिप है इसकी, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।